स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधुओं के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाइए। दोस्तों, मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लेने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था और वहां आप में से कई बंधु आए थे और उनके सवालों के जवाब मैंने लाइव दिए थे। तो अगर आपके सवाल इन संडे के वीडियोस में आंसर नहीं होते हैं और आपको जल्दी से जल्दी अपने सवालों के जवाब चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हर सैटरडे में इंस्टाग्राम पे लाइव आने का सोचा और वहां लाइव आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। अब चलते हैं हम आज के पहले सवाल पे और आज का पहला सवाल है अखिल गोपी जी का। तो अखिल जी के एक सवाल नहीं, कई सवाल है। तो यहां पे बोलते हैं, हेलो सर, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आई नीड योर सजेशन, काइंडली हेल्प। पहला सवाल है, आई हैव अ बजट ऑफ अराउंड 60,000 एंड व्हिच टीवी शुड आई गो विद। तो 60,000 में आपको कौन सी टीवी चाहिए, आपने यहां पे साइज मेंशन नहीं किया है। दूसरा सवाल पहले चलते हैं, फिर हम जवाब देंगे पहले सवाल का। दूसरा सवाल है इनका, कैन यू गिव मी अ कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग, एलजी एंड सोनी एज अ टीवी ब्रांड, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड व्हिच वन डू यू प्रेफर। सैमसंग, सोनी और एलजी में क्या फर्क है और कौन सा मैं प्रेफर करता हूं। ओके, तीसरा सवाल, I am planning to buy TV as soon as possible, but is there any particular model that is expected to launch soon and my wait will be worth it? तो कौन सा बढ़िया मॉडल जल्दी आने वाला है और क्या उन्हें वेट करना चाहिए उस मॉडल के लिए? बहुत बढ़िया सवाल पूछे अखिल जी। तो पहला सवाल का जवाब हम दे देते हैं, 60,000 का बजट है, साइज हमने बताया नहीं है। अगर आपको बहुत जल्दी है टीवी लेने की, तो मैंने दो वीडियोस बनाए हैं टू बाई टीवी इन मे, यहाँ पे आपको लिंक्स आ जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया हुआ है। 60,000 के बजट में अगर आपको कोई 43 इंच की टीवी चाहिए तो मेरा सजेशन रहेगा आप सोनी की X8000G ले सकते हैं, एग्जैक्ट 60,000 की आपको मिलेगी, बहुत बढ़िया टीवी है, 43 इंच वेरिएंट। अगर आपको थोड़ी सी बड़ी टीवी चाहिए तो 49 इंच वेरिएंट में LG UM 7300 मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। अगर आपको उससे भी बड़ी टीवी चाहिए, 65 इंच की टीवी चाहिए, तो 60,000 के अंदर आपको मिल जाएगी सैन्यो काइजन सीरीज का 65 इंच मॉडल, जो आपको करीबन 53-54,000 रुपीज में मिल जाएगा, वो भी बहुत बढ़िया टीवी है। तो साइज के हिसाब से आप इन तीनों में से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो और मैं रिकमेंड कर सकता हूं, अगर आप थोड़े से पैसे बचाना चाहते हैं 43 इंच वेरिएंट में, तो सैमसंग की RU7470 जो आपको 45,000 में मिलती है, वो भी अच्छी मॉडल है। या फिर आप LG की UM7780 भी ले सकते हैं, वो भी आपको करीबन 45,000 रुपए में मिलेगी, वो भी एक अच्छा मॉडल है। तो ये कुछ मेरे रिकमेंडेशंस हैं। सेकंड पॉइंट आपका जो है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, सैमसंग, LG और सोनी एज अ टीवी ब्रांड में क्या फर्क है और कौन सा मैं प्रेफर करता हूं? तो तीनों ही बहुत बढ़िया ब्रांड्स हैं, लेकिन तीनों में बहुत फर्क है। LG जो टीवीज निकालता है वो IPS पैनल के साथ निकालता है, बहुत बढ़िया व्यूइंग एंगल्स है, जो उनकी जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, नैनो कलर्स, नैनो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, नैनो कलर्स यूज करते हैं, जो प्योरिटी ऑफ कलर्स होती है वो एकदम सही होती है, एकदम नेचुरल कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो LG की ये खासियत है, कलर्स एकदम नेचुरल देखने को मिलते हैं। वहां पे मैं सोनी की बात करूं तो सोनी भी आजकल IPS पैनल के साथ टीवी निकालता है, ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले यूज करता है, बहुत बढ़िया व्यूइंग एंगल्स और काफी बढ़िया कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग VA पैनल के साथ आता है, जो कलर्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियो है LG और सोनी से आपको बेटर देता है सैमसंग, लेकिन VA पैनल्स में आपको व्यूइंग एंगल्स की थोड़ी सी मार लगती है, व्यूइंग एंगल्स इतने अच्छे नहीं है जो आपको IPS पैनल में देखने को मिलते हैं, जो आपको LG और सोनी देता है। साथ ही साथ अगर मैं तीनों के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करूं तो वो भी अलग 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 है। LG आपको वेब ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, सैमसंग भी आपको खुद का टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, वहां पे सोनी एंड्रॉयड यूज करता है। तो अगर आपको ज्यादा एप्लीकेशंस चाहिए तो एंड्रॉयड आपको सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस देता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन भी है, एंड्रॉयड जैसे हम सभी को पता है, हम सब काफी लोग यू नो एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो मोबाइल जैसे फ्यूचर में जाके थोड़ा बहुत हैंग होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड रिसोर्स हंग्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही टीवी भी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है लॉन्ग रन में। ये प्रॉब्लम आपको LG या
सैमसंग में नहीं आता है, क्योंकि वेब ऑपरेटिंग सिस्टम जो एलजी का है और टाइजन जो सैमसंग का है, ये दोनों रिसोर्स हंगरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और साथ ही साथ इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इतने बड़े नहीं होते, वो लाइट एप्लीकेशंस होते हैं, तो वहां पे आपको ये इशू नहीं आता है जो आपको एंड्रॉयड में लॉन्ग रन में आ सकता है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं इन दोनों, इन तीनों टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, जहां आपको एप्लीकेशंस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये वेब ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइजन थोड़े से लाइट है एंड्रॉयड से और वो थोड़े से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अब आपका सवाल उठता है कि मेरा कौन सा फेवरेट ब्रांड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में मेरे हिसाब से सोनी बहुत बढ़िया टीवीज निकाल रहा है, जो 2020 के मॉडल्स आने वाले हैं बहुत ही सही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन मॉडल्स के लिए। साथ ही साथ प्राइसिंग भी इस बार सोनी कम रख रहा है, 2018 के मॉडल्स की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती थी, सोनी की प्राइसिंग अलग ही लेवल पे होती थी, सैमसंग एलजी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे होते थे, लेकिन अभी सोनी ने भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग निकाली है, तो मेरे हिसाब से सोनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार। सैमसंग बहुत बढ़िया टीवीज बनाता है, बहुत ही डिज़ाइन वाइज बेस्ट होते हैं, लुक्स वाइज बेस्ट होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, फ्रेम सेरिफ जो इनके जो नए नए कॉन्सेप्ट डिज़ाइन आ रहे हैं ये सोनी एलजी नहीं बनाते, तो ये कुछ अलग है। डिज़ाइन के मामले में सैमसंग मेरे हिसाब से बेस्ट है, साथ ही साथ जो कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट रेशो होते हैं वो सैमसंग के बेस्ट होते हैं कंपेयर टू एलजी और सोनी, तो ये एक उसका प्लस पॉइंट है। अगर मैं एलजी के बारे में बात करूँ तो एलजी इनोवेशन में सबसे आगे है। अगर आप देखेंगे एलजी ने पहली टीवी निकाली थी जिसमें गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और एप्पल एयरप्ले 2 तीनों का सपोर्ट था, उसके बाद जाके सोनी और सैमसंग ने टीवीज निकाली। एलजी ने पहली टीवी निकाली जिसमें आपको टू वे ब्लूटूथ था, उसके बाद जाके सोनी ने टू वे ब्लूटूथ डाला, तो एलजी इनोवेशन में मेरे हिसाब से थोड़ा सा आगे है सोनी और सैमसंग से अगर हम कंपेयर करें तो। तीनों के अलग अलग फोटे हैं, तीनों बढ़िया ब्रांड्स हैं, अलग अलग टीवी निकालते हैं। और यहाँ पे जो आपका तीसरा सवाल है कि कौन सी टीवी के लिए मुझे रुकना चाहिए, कौन सी टीवी एक्साइटिंग होने वाली है, तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं तो 2020 मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट में सोनी सैमसंग और एलजी तीनों के, तो बहुत एक्साइटिंग होने वाले। एक आध मॉडल अगर मुझे कुछ पॉइंट आउट करना हो तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँगा सोनी का X8000H जो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, और साथ ही साथ जो सैमसंग का TU8570 है वो भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये दोनों मॉडल्स मेरे हिसाब से जो इनके 43 इंच वेरिएंट्स हैं आपको 60,000 में मिलेंगे, तो अगर आप रुक सकते हैं एक डेढ़ महीना तो रुक जाइए, ये दोनों मॉडल्स बहुत बढ़िया होने वाले हैं। तो उम्मीद है अखिल जी आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगला सवाल है अनन्या कार्ला जी का, ये पूछती हैं जीशॉक का एनुअल सेल कब शुरू होने वाला है। तो अनन्या जी, जीशॉक का एनुअल सेल अगले महीने शुरू हो जाएगा, कुछ मिड जून में शुरू हो जाएगा, और उस सेल में हमेशा की तरह जीशॉक तो एज अ ब्रांड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट तो देगा ही, कैसे होगी हर वॉच पर डिस्काउंट होगा, और कैसे आप फायदा उठा सकते हैं और कैसे आप उस डिस्काउंट के ऊपर कैसे पैसे बचा सकते हैं ये सब मैं बताऊंगा अपने इस चैनल पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी की सारी डिटेल्स सेल के पहले आपको पता चल जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है नील जी का, क्या नाम रखा है। तो नील जी पूछते हैं सर जी मेरा रूम है 130 स्क्वायर फीट का और मुझे सिर्फ गर्मी के दिनों में इस्तेमाल करना है एसी, तो मुझे कौन सा एसी लेना चाहिए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि 8 महीने तक आपका एसी बंद रहेगा और करीबन गर्मी के 3-4 महीने आपका एसी चलेगा, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड आपको इस मामले में नहीं देखना है, बस आपको ऐसा चीज़ देखनी है कि आप जो भी एसी लें पूरा कॉपर का कंडेंसर होना चाहिए, जो फिटिंग्स है वो भी कॉपर की होनी चाहिए, तो कॉपर जो होता है वो इतना जल्दी इरोड नहीं होता, इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर आप एल्यूमिनियम वाले लेंगे तो वो थोड़ा सा इरोड हो जाएगा, यूजेज नहीं होगा, तो थोड़ा ख़राब होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो बस आप वो ध्यान रखिए कि आपका कंप्लीट कॉपर कंडेंसर होना चाहिए, कॉपर के कनेक्टर्स होने चाहिए, जो वायरिंग होनी चाहिए कॉपर की होनी चाहिए, वो आप ध्यान में रखिए। अगर आप ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप ठीक ठाक बजट में लेना चाहते हैं तो डाइकिन ब्लू स्टार अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, अगर आपको बजट थोड़ा सा ज़्यादा है आप थोड़े से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो आप मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी या फिर जनरल ले सकते हैं, तो ये मेरे कुछ रिकमेंडेशंस होंगे। बाकी जो मॉडल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभिषेक सुवर्णा जी पूछते हैं प्लीज़ हेल्प मी चूज़ अ 43 इंच टीवी बिटवीन एलजी एंड सैमसंग अंडर 40,000। अंडर 40,000 मेरे हिसाब से आपको सैमसंग की कोई भी अच्छी टीवी नहीं मिलने वाली है 43 इंच की 4K। थोड़े से पैसे अगर आप बढ़ा दें 45,000 पे पहुंच जाएं तो 43 इंच RU7470 ये एक बहुत ही बढ़िया टीवी होगी। यहाँ पे मैं अगर LG की बात करूँ तो LG
अराउंड 40,000 में आपको एल जी यू एम 7300 मिल सकता है, वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन उधर भी अगर आप थोड़े से पैसे बढ़ा दें तो वहाँ पे एल जी यू एम 7780 वो भी आपको कुछ करीबन 44-45 में मिलती है। मुझे नहीं पता कि वो करंटली अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन आर यू 7470 अवेलेबल है, 45,000 में मिल रही है, 43 इंच मॉडल, बहुत ही बढ़िया टीवी, आप वो ले सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है यश निम्बलकर जी का, ये पूछते हैं सर 15,000 के अंदर बेस्ट जी शॉक वॉचेस बता दो। 15,000 के अंदर करंट मार्केट में अगर मैं मुझे कोई रिकमेंड करना हो तो मैं रिकमेंड करूंगा मड मास्टर सीरीज की GG 1000 जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। उसके बाद मैं ये रिकमेंड करूंगा GRB 100, ये भी बहुत बढ़िया वॉच है। लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप एक महीना रुक जाइए, क्योंकि जो 20-22,000 रुपये की भी जो वॉचेज हैं वो भी शायद आपको 15,000 रुपये के अंदर मिलेगी जब एनुअल सेल शुरू होगा। तो आप थोड़ा सा रुक जाइए यश जी और फिर अपना डिसीजन लेना। अगला सवाल है आकाश कामत जी का और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पूछते हैं सर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में आपका क्या कहना है। देखिए YouTube और TikTok दो प्लेटफॉर्म्स हैं वीडियोस के। YouTube पे अलग टाइप के वीडियोस बनते हैं, TikTok पे अलग बनते हैं। TikTok पे यूजुअली शॉर्ट वीडियोस बनते हैं, मोर लेस एंटरटेनमेंट वीडियोस। वहाँ पे अगर हम YouTube की बात करें तो YouTube में एंटरटेनमेंट के अलावा एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट रिव्यूज, व्लॉग्स, ये सब आपको देखने को मिलता है। कंटेंट वेराइटी यूट्यूब पर ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वीडियो क्रिएशन प्रोसेस TikTok में बेटर है, क्योंकि वीडियो जल्दी बन जाते हैं, आप बस मोबाइल पर ले लीजिए और वीडियो बन जाता है। लेकिन YouTube पे अगर आपको ग्रो होना है, YouTube पे अगर आपको अच्छा कंटेंट बनाना है, आपको थोड़ा बहुत सेटअप की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से TikTok थोड़ा सा बेटर है, ईजिली बन जाते हैं वीडियोस, और अगर आपके वीडियोस अच्छे हैं तो आप जल्दी से जल्दी फेमस भी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से TikTok अच्छा है। लेकिन YouTube वर्सेस TikTok की बात आ रही है तो भाई मैं आपको YouTube पे मिल रहा हूँ, आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली YouTube बेटर है एज अ प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे एक महान हस्ती की बात भी याद आती है, कोरोना और TikTok दोनों एक ही देश की देन है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। और TikTok पे आजकल काफ़ी कुछ केसेस भी चल रहे हैं US में, तो जितना हो सकता है अगर TikTok आपके मोबाइल में नहीं है वो बेटर रहेगा आपके लिए, अगर आपके मोबाइल में है तो उसे निकाल दीजिए जब तक ये केसेस सब क्लियर हो जाए, और फिर अब अगर आपको लगता है कि भाई TikTok से आपको कुछ हार्म नहीं होगा तब डाल देना, लेकिन फिलहाल आप निकाल दीजिए। दोस्तों तो इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को ख़त्म करते हैं और अपने अगले सेक्शन यानी सुपर डील्स तरफ चलते हैं। मैंने यहां पे आपके लिए रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जहां पे टीवीज हैं, एसीज हैं, वॉचेस हैं, होम थिएटर सिस्टम्स हैं, जरूर जाके चेकआउट कीजिए और उन डील्स का फायदा उठाइए। लॉकडाउन काफी जगहों पे खुल गया है, प्रोडक्ट डिलीवरी शुरू हो गई है, तो उन डील्स का डेफिनेटली जाके फायदा उठाइए। इस वीडियो को यहां पे ही अंत करते हैं, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वो नीचे लाल बटन दबाकर। फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।